साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनी कलम अपने चैनल पर। आज बात करेंगे, आपके बहुत से सवाल आ गए हैं। सवाल जो आपकी सीरीज में आज 19वां शायद 20वां वीडियो आप देख लेना, वो आज हम बात करेंगे। थर्ड ग्रेड के जो फॉर्म भरे जा रहे हैं उसमें डॉक्यूमेंट्स को लेकर बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, तो उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए लेवल टू के लिए और लेवल फर्स्ट के लिए, दोनों की बात हम करेंगे। उसके अलावा आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है 19 जो आपके फॉर्म की लास्ट डेट है उससे पहले बनवाने हैं, वो सभी बातें आपके जो सवाल आए हैं उसको लेके हम करेंगे। पीछे वीडियो में शायद मैं बता चुका हूँ उस डॉक्यूमेंट्स को लेके, लेकिन विस्तृत वीडियो केवल विशेष रूप से डॉक्यूमेंट्स को लेके है जो बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, एक वीडियो में आपको पूरी जगह एक जगह मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा मैं किस तरह से आपको फॉर्म भरना है पूरी प्रोसेस कल आपको विशेष रूप से, कल क्या मैं शायद आपको शाम तक पूरा वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, इसमें किस प्रकार से क्या क्या प्रोसेस है उसकी, कौन इसमें, इसके अलावा भी कुछ यदि रह गई तो उस वीडियो में विशेष रूप से आपको मिल जाएगा क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या चाहिए, लगभग पूरी बात यहाँ पे हो जाएगी। उसके अलावा भी आपको क्या क्या फिल करना है, क्या क्या नहीं करना, कौन सी मार्कशीट कहाँ पे क्या अपलोड करनी, वो सभी बातें आपको इस वीडियो में, अगले वीडियो में विशेष रूप से मिल जाएगी। डॉक्यूमेंट्स को लेकर इसमें हम कर रहे हैं, आप यदि मित्र पर जा रहे हैं तो इतने डॉक्यूमेंट्स तो आपके होने चाहिए, ठीक है। उसके अलावा पूरी बात आपके जो भी कन्फ्यूज है आप यहाँ पे दूर होने वाले हैं। तो साथियों कमेंट बॉक्स में आपके कोई अन्य सवाल रह जाए तो कर देना, अगले वीडियो में हम बात कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए शुरू करें उससे पहले एक बार सभी शेयर कर देंगे इस वीडियो को, क्योंकि सभी तक ये सूचना पहुंच जाए। उसके अलावा आप इसको लाइक करके अभी सब्सक्राइब कर लें, जो भी साथी नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके जुड़ जाना, कंटिन्यू आपको वीडियो मिलते रहेंगे। कक्षा 10 की अब यहाँ पे शीतकालीन अवकाश मेरे हो रहा है स्कूल का 25 तारीख से, तो वहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं साथियों कक्षा 10 की किताब, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी अधीनस्थ बोर्ड की कोई परीक्षा हो रही है, अधीनस्थ बोर्ड की कोई परीक्षा हो रही है, तो आप पेपर उठा के देख लेना 10वीं की किताब से, केवल अकेली 10वीं किताब से आपको कितने सवाल मिलते हैं। जो आपके पीछे जो फॉरेस्ट गार्ड की एग्जाम हुई थी उसमें एक अकेली किताब से वहाँ पे 28-30 सवाल थे, 32-33 सवाल थे वहाँ पे, ठीक है। तो आप वहाँ पे देखिए एक किताब में कितने महत्वपूर्ण, तो वो किताब हम स्टार्ट करने वाले हैं। कक्षा 6 से लेकर 9 तक हम पूरी कर चुके हैं। आप यदि उन क्लास से नहीं जुड़े हैं तो चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है 6 से 9 तक, वो आप देख सकते हैं। और 10 की हम 25 तारीख शीतकालीन अवकाश जो हो रहा है वहाँ पर स्टार्ट कर देंगे। उसके अलावा साथ ही छोटी सी सूचना मैं आपको दे दूँ, बहुत से साथी जो नए जुड़े हैं उनके लिए सूचना है कि आपके यहाँ पे थर्ड ग्रेड में जितना भी जीके आएगा, थर्ड ग्रेड में जितना भी जीके आएगा उसके टॉपिक वाइज टेस्ट, चाहे आप लेवल 1 से है चाहे लेवल 2 से हैं, जितना भी राजस्थान जीके आएगा उसमें आपके जो भूगोल, इतिहास, संस्कृति, जो नए टॉपिक जुड़े हुए, प्रतीक चिन्ह, फ्लैक्स, योजना, जितने भी अनुसंधान केंद्र, प्रमुख खिलाड़ी, उनके अलावा राजस्थानी भाषा और सभी, उसमें टॉपिक वाइज टेस्ट का यहाँ पर दिया हुआ है। ऐप है अपना अपनी कलम अपने नाम से, ऐप का नाम क्या है अपनी कलम अपने, वहाँ प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा आप सीधा कमेंट बॉक्स जो नीचे है वहाँ से सीधा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक दिया हुआ है कमेंट बॉक्स में, तो आप वहाँ पे जाइए वो लिंक डाउनलोड, वहाँ ऐप डाउनलोड कीजिए और वहाँ से जीके की टेस्ट से जुड़ सकते हैं। जिनके विषय हिंदी है वहाँ की भी टेस्ट चल रही है, ठीक है साथियों। टॉपिक वाइज टेस्ट वहाँ पर जुड़ सकते हैं जो भी नए साथी जुड़े हैं, क्योंकि पुराने साथी हैं वो पीछे की वीडियो में देख चुके हैं। बात करेंगे लेवल 1 और लेवल 2 के डॉक्यूमेंट्स को लेकर, तो देखिए लेवल 2 की हम पहले बात कर लेते हैं। लेवल 2 के जो भी साथी देख रहे हैं एक बार सुनना, सबसे पहले आपकी एसएसओ आईडी मेरे सबसे सभी की बनी हुई होगी। एसएसओ आईडी से एक सिस्टम ये भी है, कोई मित्र वाला जो है वो अपनी एसएसओ आईडी से भी आपका फॉर्म फिल कर सकता है, उसमें कोई ऐसा नहीं कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, किसी भी एसएसओ आईडी से आप अप्लाई भी कर सकते हैं। मैं आपको राय दूंगा आप अपनी एसएसओ आईडी से ही भरें, सभी साथी अपनी एसएसओ आईडी से ही फॉर्म भरें। उसके अलावा एसएसओ आईडी अपनी होगी, अपना आप खुद का पासवर्ड होगा, पासवर्ड चेंज भी कर सकते हैं, कभी भी कोई भी फॉर्म फिल करें तो आपको वहाँ पे सभी डाटा एक जगह मिल जाएंगे, नहीं तो आप मेरे हिसाब से माने तो खुद की एसएसओ आईडी से फॉर्म फिल करना है। उसके अलावा अब देखिए उसमें आपको क्या क्या चाहिए, एसएसओ आईडी बने हैं तो उसमें आपको फ़ोटो ले जाना है, अपने हस्ताक्षर ले जाना है, ठीक है। हस्ताक्षर तो आप वहाँ पर जाके भी कर सकते हैं, फ़ोटो, हस्ताक्षर, मोबाइल नंबर, ठीक है ये चाहिए, ये सभी भी लगभग सभी में चाहिए। फिर आपकी 10th की मार्कशीट भी क्या चाहिए, 10th की मार्कशीट। तो मैं आपको एक राय, एक बात आपको उसको कहना चाहूँगा, किसी भी डॉक्यूमेंट्स में आपके स्नातक में कोई मिस्टेक है, आपके बीएड की मार्कशीट में कोई मिस्टेक है, आपके किसी भी डॉक्यूमेंट्स अन्य मूल निवास हो जाती हो किसी में कोई मिस्टेक है, तो फॉर्म भरते समय हमेशा एक बात याद रखना, फॉर्म हमेशा 10th की मार्कशीट के आधार पर ही भरना है साथियों। चाहे आपके स्नातक में कोई मिस्टेक है तो आप शपथ पत्र लगा देना साथ में कि मेरे ये मिस्टेक है, ये गलती से हो गया, पिता के मात्रा में या जो भी पिता की स्पेलिंग में है और है जो भी, तो 10वीं के मार्कशीट के आधार पे आपको फॉर्म फिल करना है, ठीक है। एक बात तो ये याद रखनी है, 10वीं की मार्कशीट सभी को चाहिए, तो लेवल 1 से है चाहे लेवल 2 से है ये भी सभी को चाहिए, जो अलग होता होगा वो मैं बता दूंगा। उसके अलावा केवल मैं अभी लेवल 2 की बात कर रहा हूँ, स्नातक आप स्नातक करें कि यहाँ पर 12th की यहाँ पर नहीं चाहिए,
लेवल टू के लिए ट्वेल्थ की आवश्यकता नहीं है, उसमें केवल टेंथ के बाद में सीधा कौन सा ऑप्शन आ रहा है, वहाँ पर स्नातक का। वहाँ पर टेंथ आपके जब टेंथ का यहाँ पे देखिए चार ऑप्शन आएंगे आपको, जो डॉक्यूमेंट्स हैं वहाँ पे चार ऑप्शन आएंगे। पहला जो ऑप्शन होगा मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, चार ऑप्शन होंगे यहाँ पे, तो पहला ऑप्शन जो होगा वो अपने यहाँ पे आपकी सीनियर का सॉरी सेकेंडरी का आ जाएगा, टेंथ वाला आ जाएगा, ठीक है। सेकेंडरी का अपने आप ऑप्शन आ जाएगा, उसमें आपको अपने रोल नंबर प्राप्त अंक वो बढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे दूसरा जो ऑप्शन आएगा साथियों उसमें आएगा, उसमें तीन चार ऑप्शन होंगे आपकी स्नातक है, ठीक है, स्नातकोत्तर है, एमए है या बारहवीं है, तीन ऑप्शन आएंगे। तो अब जो लेवल टू वाले हैं उनको केवल यहाँ पे स्नातक पढ़ना है, दो नंबर पे क्या सिलेक्ट करना है, स्नातक करना है, क्योंकि यदि आप यहाँ पे ट्वेल्थ कर लेते हैं आप सेलेक्ट, तो आप यहाँ पे आगे जो आएगा उसमें केवल बीएड, बीएससी बीएड, बीए बीएड, वो चार साल बीएड वाला है वो ऑप्शन यहाँ पे आएगा। तो लेवल टू से है उसके लिए सेकेंड जो आपके दसवीं स्नातक और बीएड ये लगाना है, ठीक है, समझ गए। उसके अलावा अन्य आता है तो अन्य आप छोड़ सकते हैं, अन्यथा आप एमए आदि हो वो भी लगा सकते हैं, ये जरूरी नहीं, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आपको क्रम यह ध्यान रखना है, ठीक है। ये तीन हो गए, मैंने अभी भी अप्लाई किए हैं, भाई के साथ में मित्र है अपना थोड़ा बड़े भाई का, तो वहाँ पे बैठ के एक अप्लाई किया है फॉर्म, उसके आधार पे आपको बता रहा हूँ। कल आपको विशेष रूप से एक फॉर्म भर के पूरा बता देंगे किस प्रकार से आपको क्या क्या करना है, ठीक है, आपको वीडियो मिल जाएगा, नो टेंशन नहीं। तो ये बात आ गई, तो टेंथ के बाद स्नातक आपको चाहिए या एमए भी आप साथ में लगा सकते हैं वो आगे के लिए। बीएड जो अगला ऑप्शन होगा वो बीएड की मार्कशीट, मार्कशीट में आपको अपलोड नहीं करनी कोई सी भी मार्कशीट, कहीं पर भी अपलोड नहीं होगी, न तो टेंथ की होगी, न स्नातक की होगी, न बीएड की होगी, न रीट की होगी, लेवल वन और लेवल टू में कोई भी अपलोड नहीं होगी, ठीक है। अपलोड केवल साइन और आपकी फ़ोटो होनी है, वो भी मैं बता दूंगा अलग वीडियो के माध्यम से कितनी साइज की किस प्रकार से। बीएड आपकी चाहिए, बीएड के अलावा कोई भी आपकी समकक्ष कर रखती है, जैसे शिक्षा शास्त्री है, बीए बीएड है, बीएससी बीएड है, उसके अलावा रीट। अब रीट में आप जैसे ही अपने रोल नंबर लगाएंगे साथियों, एक बात ध्यान रखिए, जब आप अपना फॉर्म स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको लेवल वाला पूछेगा, लेवल टू लेवल वन, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आएगा वह आएगा रीट, कौन सी पात्रता आपने हासिल कर रखी है, तो आपकी वहाँ पे केवल लेवल टू से हैं उसी केवल एक ही ऑप्शन खुलेगा, लेवल रीट 2022, यहाँ पे क्या खुलेगा, रीट 2022 खुलेगा। अब उसके बाद यहाँ पे आपका रोल नंबर मांगेगा, क्या मांगेगा, रोल नंबर। जैसे आप वहाँ पे रोल नंबर डालते हैं तो अपने आप ही आपका नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ है वो अपने आप ही फिल हो जाएगी, ठीक है। तो लेवल टू वाले साथी हैं उसके पास में रीट 2022 की पात्रता होनी चाहिए, उसके पास यदि पास वाला रीट वह पास की हुई है वो रोल नंबर आप डालेंगे तभी आपके वो आगे खुलेंगे। यदि आपने पास नहीं की है रीट, आपने पात्रता नहीं प्राप्त की है रीट 2022 वाली लेवल टू वाले, तो वो आगे नहीं खुलेगा, ठीक है। तो रोल नंबर आप वो लगाए जो आपके पास में पात्रता है लेवल टू 2022 वाली, ठीक है। रेट वाला हो गया। अब बहुत से कमेंट करें कि क्या ओबीसी चाहिए इस समय, क्या मूल्यवास चाहिए, क्या आय प्रमाण पत्र चाहिए, तो मैं कह दूं नहीं चाहिए। आपको केवल श्रेणी सिलेक्ट करनी है, बनाना है आपको, आप बना सकते हैं फॉर्म की लास्ट डेट से पहले बनाना ज़रूरी है, लेकिन आपको यहाँ पे अपलोड नहीं करना, आपको यहाँ पे श्रेणी सिलेक्ट करनी है आप किस श्रेणी से हैं। अब यहाँ पे देखिए श्रेणी, जैसे आप ओबीसी से हैं, ओबीसी होगी। अब इसके अलावा एक श्रेणी उपश्रेणी भी आती है, यहाँ पे दिव्यांग है, भूतपूर्व श्रेणी का है, महिला है, जो विधवा परित्यक्ता, उसकी उपश्रेणी आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। तो आप जिस श्रेणी से ओबीसी, तो पहले वो सिलेक्ट करें, उसके बाद में वो उपश्रेणी सेलेक्ट करनी है। उसके बाद में आपको पूछते हैं आय के बारे में, आय क्या आपकी आय 2.5 लाख से कम है, यस और नो, केवल इतना सेलेक्ट करना है। यदि आप यस करते हैं तो आप उससे आगे आय प्रमाण पत्र मांग सकते हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से आप नहीं करते हैं, आप अपनी आय 2.5 लाख से कम क्यों दिखाते हैं, 3 लाख दिखा दीजिए, 4 लाख दिखा दीजिए। यदि आप यस नहीं करते हैं, नो करते हैं, तो कोई भी आपसे आय नहीं मांगेगा, प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। वो इसलिए होगी कि आपको यहाँ पे जैसे आय आप 2.5 लाख से कम करते हैं तो आपको यहाँ पे फीस में 100 रुपये की छूट मिल रही है। अब जो 100 रुपये की छूट ले रहे हैं उससे पहले आपको क्या करना होगा, आय वाला आपके दिमाग में रहेगा, वो प्रमाण पत्र मांग सकते हैं और मांग सकते हैं। इससे अच्छा है आप नो करें, आपकी आय 3 लाख आप जो भी ओबीसी बनाते हैं, जो भी आपकी कास्ट सर्टिफिकेट बनता है उसमें आपकी आय लगती है, ठीक है, तो उसमें अपने आप ही उस प्रकार से आप बना लें। ये तो बात होगी लेवल टू की, ठीक है। कोई भी कन्फ्यूज रह जाए तो कमेंट कर देना, मैं एक एक कमेंट पढ़ लूँगा आज, ठीक है, नो टेंशन रहिए, शाम तक पूरे जवाब दे दूँगा, वरना मैं कोशिश करूँगा एक अलग वीडियो के माध्यम से आपके सवाल उठाने की। रेट 2021, अब यहाँ पे लेवल वन की बात कर रहा हूँ मैं। जैसे आपने भी मैंने आप यहाँ पर बताया कि रीट सेलेक्ट करनी है कोई पात्रता से हैं आप, तो यहाँ पे आपके लेवल वन में दो खुलेंगे, रीट 2021 या रीट 2022। अब आप किस पात्रता को हासिल, किस जैसे आपने 2021 वाली भी दी उसमें पास हो गई, रीट 2022 वाली भी दी वो भी पास हो गई,
तो आप इसमें कौन सी लगाना चाहते हैं, तो आपको वो सिलेक्ट करना है, आपके जिसमें अच्छे रैंक हैं वो लगा सकते हैं, ठीक है, कोई सी भी लगाइए, आप पात्रता है वो, और जिसमें जो यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं 2021 करें या 2022 करें, तो वही रोल नंबर आपको यहाँ पे डालने और अपने आप डाटा खुल जाएगा। 2021 या 2022 वो हो गई बात। अब यहाँ पे देखिए, ये मैंने दो गोले किए हैं, इसलिए किए हैं कि ये लेवल 2 के हैं, और इसके अलावा ये सभी के लिए चाहिए, लेवल 1 के हैं चाहे लेवल 2 के हैं, ऊपर वाले SSID फोटो साइन मोबाइल नंबर 10th, ये सभी को चाहिए। उसके अलावा रीट वाला IBA ये सभी को चाहिए। केवल लेवल 1 से हैं उनको स्नातक के स्थान पर यहाँ पर क्या चाहिए आपको, 12th, ठीक है। जहाँ पर मैंने बताया ना आपको 3 ऑप्शन आते हैं, 10th के बाद में स्नातक खुलता है, MA खुलता है और 12th खुलती है, तो आपको यहाँ पे जो दो नंबर है उसमें स्नातक के स्थान पे क्या सिलेक्ट करना है, 12th सिलेक्ट कर लिए यहाँ पे 12th वाला रोल नंबर आदि वो भरे जाएंगे। फिर आपकी वो जो BSTC है वो सिलेक्ट करनी है आई लेवल फर्स्ट के लिए, ठीक है, BSTC है समकक्ष जो भी है वो। इस प्रकार से ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट्स ना अपलोड होंगे ना और होंगे, ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है, आराम से देख के फॉर्म भराएं। मैं अब भी कहूँगा साथियों, फाइनल लॉक करने से पहले उसका प्रिंट लें, लॉक करने से पहले प्रिंट ले लें, PDF ले लें, 2 बार चेक कर लेना, 3 बार चेक कर लेना, ठीक है, आराम से उसके बाद ही लॉक करें। अब देखिए जो कमेंट्स आ रहे हैं, फॉर्म की लास्ट डेट से पहले कौन से प्रमाण पत्र बनाने हैं कौन से नहीं बनाने हैं, तो देखिए मैं कहूँगा कोई सा भी आप आरक्षण ले रहे हैं, आरक्षण का यदि लाभ ले रहे हैं, ठीक है, कोई छूट ले रहे हैं, तो आपको वो आरक्षण के जो आपके पास में हासिल है, कोई भी आरक्षण की बात हो, ठीक है, कोई भी आप शैक्षणिक योग्यता की बात हो, जो अपीयरिंग वाले पूछ रहे हैं प्रशैक्षणिक योग्यता, जो BEd BSTC है प्रशैक्षणिक योग्यता की बात हो, अन्य कोई भी आप जो आरक्षण लेना चाहते हैं, वो आपके पास हमें फॉर्म की लास्ट डेट से पहले आपके पास में होना चाहिए। अब इसका एक उपाय ये भी है कि यदि ये केवल उसी के लिए है जिसके पास हमें ये जाति प्रमाण पत्र वाला मैटर नहीं आता, जिसका 19 आपके जनवरी मतलब फॉर्म की लास्ट डेट से पहले वो किसी भी प्रकार से जाति वाला नहीं बना पाते हैं, तो इसके आधार पर आपको बाहर नहीं किया जाएगा। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपको बाहर नहीं किया जाएगा, केवल आपको एक शपथ पत्र मांगेंगे, उसमें कहा कि किसी कारणवश वो नहीं बना पाया, मैं उसी जाति से हूँ, उसी कैटेगरी से हूँ, और ये मेरे शपथ पत्र रहा, इस प्रकार से आपको पेश करना होगा। तो बहुत से साथी मैसेज कर रहे हैं कि सर आप क्यों बता रहे हैं ऐसा कि आप शपथ पत्र वो जो जाति वाला नया बना लो और बना लो, उसमें आप शपथ पत्र भी लगा सकते हैं बाद में, यदि बाद में बनता है तो मैं ये कहूँगा साथियों, शपथ पत्र बनाएंगे आपके कन्फ्यूज़ रहेगा वो रहेगा, जाति वाला बनाना तो है, मेरी राय माने तो बना सकते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि बनाना ही है, ठीक है, सबसे बेस्ट ये रहेगा कि आपके 1 साल से पुराना नहीं है तो चल जाएगा। यदि आपका OBC सर्टिफिकेट है, SC ST में तो एक बार बनाना लाइफ टाइम हो जाएगा, इनके अलावा जो भी है EWS आदि वो यदि 1 साल पुराना हो चुका है तो आप नया बना लें, वैसे 3 साल तक शपथ पत्र से चला सकते हैं, लेकिन मेरी राय माने तो उतने पैसे में तो नया बन जाएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि कन्फ्यूज नहीं दिखना दिमाग में, क्योंकि अपवाद सभी जगह होते हैं जो कमेंट करके आते हैं कि आप गलत जानकारी दे रहे हैं या और कह रहे हैं, तो मैं आप सभी को कह रहा हूँ कि शपथ पत्र से चल जाएगा, अब भी कह रहा हूँ, ठीक है, नो टेंशन रहिए, 1 साल से पुराना हो गया है तो इस कन्फ्यूज में नहीं रहे, आप नया बनवा सकते हैं वरना शपथ पत्र से चला सकते हैं, दोनों बातें मैं कह रहा हूँ। जाति वाला हो गया मूल निवास, यदि आप मेरे हिसाब से सभी के पास में बना हुआ है, ठीक है, विधवा पृथकता यदि आप लाभ लेना चाहते हैं तो विधवा सर्टिफिकेट है आपका, प्रमाण पत्र है वो पति का मृत्यु प्रमाण पत्र है विधवा वाला, वो आपकी लास्ट डेट से पहले का, पृथकता है वो कोर्ट्स हैं वो जो जारी है वो आपके डिग्री वो लास्ट डेट से पहले हो, दिव्यांग सर्टिफिकेट बना हुआ हो, भूतपूर्व सैनिक का सर्टिफिकेट जो भी है जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो फॉर्म की लास्ट डेट से पहले के होने चाहिए। अन्य कोई भी आप आरक्षण लेना चाहते हैं तो उसकी जो आपका प्रमाण पत्र है वो आपके फॉर्म की लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए, ठीक है, मेरे हिसाब से इस डॉक्यूमेंट से आपका पूरा काम हो जाएगा। अब उसके बाद रही बात फॉर्म भरने की, तो मैं एक छोटा सा वीडियो 10 मिनट का 8 मिनट का वो बनेगा और उसके आधार पे आपको बता दूंगा किस प्रकार से फॉर्म अप्लाई करना, पूरा फॉर्म एक बार दिखा दूंगा और आप कहें तो मैं PDF उपलब्ध करा दूंगा, वो आप भर के ले जा सकते हैं, वरना जो भी होगा आपके कमेंट्स के आधार पर होता रहेगा। जितना हमसे हो सकेगा हर प्रकार से तैयार है, अभी रात की मैं आपको दिखा सकता हूँ साथियों, 10:50 हैं, ठीक है, रात के 10:50 ये वीडियो बन रहे हैं, सुबह आपको 5 बजे ये वीडियो मिल जाएगा, ठीक है, आप देख रहे होंगे, ठीक है साथियों, इसके अलावा कोई कंफ्यूज है तो कमेंट कर देना। और मैं कहना चाहूँगा जो भी विश्वास करते हैं, जो भी साथी स्टार से जुड़े हुए हैं, वो विशेष रूप से एक बार JKE टेस्ट सीरीज से जुड़े, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज कंटिन्यू आपको मिल रही है, उसके अलावा केवल नाम मात्र के शुल्क में आपको यहाँ पर मिल रही है,
भूगोल, इतिहास, संस्कृति, नए जुड़े हुए टॉपिक, राजस्थानी भाषा, सभी मात्र 99 में मिल रहे हैं। आप किसी भी ऐप पे जाके देख लेना साथियों, यदि इस रेट में आपको यहीं पे मिल रहा है, प्रश्न का आप लेवल देख लेना दिनेश बोर्ड के लेवल का, ठीक है, और इस रेट में यदि सभी आपको कहीं पर दे रहे हैं तो आप वापस आके कमेंट कर देना, ठीक है। इसलिए कमेंट बॉक्स में जाइए और अच्छा लगे आप वहाँ पर फ्री डेमो टेस्ट है वो भी दे सकते हैं। वहाँ पे 50% का एक फ्री डेमो टेस्ट है, सभी के लिए फ्री है। जो भी साथी देख रहे हैं कमेंट में जाइए, ऐप डाउनलोड कीजिए, फ्री डेमो टेस्ट है। जीके की टेस्ट सीरीज में कंटेंट जो है, जो अपना ऐप है उसमें जब टेस्ट सीरीज खोलेंगे तो कंटेंट नाम से जो ऑप्शन है, ठीक है, उसमें आपको टेस्ट मिल जाएंगे। नीचे जाएंगे तो फ्री डेमो टेस्ट भी होगा। उसके अलावा कमेंट कर रहे हैं कि सर इसमें जो उत्तर है वो कहाँ पर देखें, तो आप जब टेस्ट पूरा दे लें तो एक ऑप्शन आता है लास्ट में व्यू सोल्यूशन। क्या आता है? व्यू सोल्यूशन। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो सभी के उत्तर हैं वो सामने आ जाएंगे, आप नेक्स्ट करके आराम से देख सकते हैं, ठीक है साथियों। तो अभी आप जा सकते हैं कमेंट बॉक्स में, जाइए कमेंट बॉक्स में लिंक से डाउनलोड कर लीजिए। अन्य को सवाल है तो कमेंट बॉक्स में रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।